मेरा नाम अमीर शफीक रहमान है, मैं यहाँ पर डायरेक्टर टेक्निकल हूँ मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर वापडा की तरफ से। प्रोजेक्ट जो फेजेज होते हैं, सबसे पहले ये होता है कि कंट्रैक्टर मोबिलाइज हो जाए, कंसल्टेंट अपॉइंट हो जाए और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो जाए। तो कंट्रैक्टर की मोबिलाइजेशन आपने देख ली, उनकी मशीनरी, उनकी साइट पे एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कंसल्टेंट की अपॉइंटमेंट, सब कुछ हो चुकी है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसको रुकावट डाले, और हमारे चेयरमैन साहब की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं कि ये अपने टाइम से पहले ही कम्प्लीट हो जाए। तो इसको बिल्कुल सारी की सारी टीम उसके साथ जाना मौजूद है और करी हुई है, और उसके मुताबिक बिल्कुल जाना अपने शेड्यूल के मुताबिक काम शुरू जी। नीचे जो मैंने आपको बताया था कि नीचे डीसीपी लगा हुआ है, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिस्चार्ज डिजिटली मेजर करता है और सारा कुछ करता है, तो वो जो है यहाँ पर मौजूद है। जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमारी प्री होती है वो जो है पहले से हो चुकी है, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई कि जिस प्रिपरेटरी वर्क्स हूँ और रहते हूँ, सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पहले तो बहुत मशहूर हूँ आप शब्द जहाँ तशरीफ़ लाए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो सलामती है उसकी ज़मानत पानी में है, और पानी के मामले में आप समझते हैं कि काफ़ी सालों से हमसे ऐसे फैसले हुए कि जहाँ पे जो पानी मौजूद है हमारा उसको हम जमा नहीं कर सके, और इस वक्त पाकिस्तान की कम व बेश 60% आबादी जो है वो पानी से रिलेटेड है, वाटर इकॉनमी से डायरेक्टली, और तकरीबन 80% जो है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अब जो पाकिस्तान पानी सेव करता है वो सिर्फ 10% है, वो ट्रेजर है हमारा, जो सोना है हमारा, बाकी सारे पाना हम ज़ाया करते हैं। तो अब जो मोहम्मद डैम है ये उस सिलसिले की एक कड़ी है, जो हमने फैसला किया कि कतअ नज़र इससे कि क्या मुश्किलात हैं, हमें ये डैम बनाने हैं। तो ये जो पिछले 2 साल से तकरीबन हमने एनर्जी के हवाले से तकरीबन 2500 मेगावाट हमारी टीम ने मेहनत करके इसमें शामिल किया, और पानी के हवाले से 2 डैम जो हैं, इसमें मोहम्मद जो है जो कमोबेश 50-60 साल से तखीर का शिकार था उसको रीलाइन किया। उसके लिए सबसे पहले तो मैं मशहूर हूँ यहाँ के लोगों का कि जिन्होंने कुर्बानी दी और पाकिस्तान की तारीख में एक नए संग मील को पेश किया कि उन्होंने बगैर किसी हिल हजत के हमें ज़मीन प्रोवाइड की। उसके बाद जो मेरी टीम है वापडा की, आई थिंक आई मस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने इसमें कानूनी रुकावटें भी थी, कुछ माली रुकावटें थी, उन सब को ओवरकम करके हम इस मौके पर खड़े हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट पे काम कमोबेश 3-4 महीने पहले शुरू किया था, जिसमें हमने यहाँ पे सीज़मिक स्टेशन लगाया, जिस पे हमने यहाँ पे वेदर स्टेशन लगाया, यहाँ पे जियोटिक बोरिंग की, और इसकी एक जो है एक रस्मन इफ्तिताह भी वज़ीर आज़म ने 2 मई को किया था। अब यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ पे मशीनरी मोबिलाइज हो चुकी है, और यहाँ पे जो एक्सेस रोड्स हैं उन पे दोनों कंपनियों ने काम भी शुरू कर दिया है, और कंसल्टेंट्स भी यहाँ पर मोबिलाइज होकर आ गए हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मुश्किलात के बावजूद, जो भी वेदर हो, जो भी मुश्किलात हो, चाहे लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है, कि जो हमारा एक मकसद है कि हमने 2024 तक इस डैम को मुकम्मल करना है। जब ये डैम मुकम्मल होगा तो आपके इर्द गिर्द जितने आप पहाड़ देख रहे हैं, संगलाख पहाड़ हैं, ये सारे ग्रीन हो जाएंगे। यहाँ के लोगों को पानी मिलेगा, यहाँ पर इनकी जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसमें आपाशी होगी तो उसमें मौके मिलेंगे, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम यहाँ के इस प्रोजेक्ट का जो हिस्सा है, हम कमोबेश 4 अरब रुपया वो खर्च कर रहे हैं जो यहाँ के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक होगा, जिसमें यहाँ पे इनकी तालीम पे पैसा खर्च होगा, यहाँ पे इनके मेडिकल के लिए होगा, यहाँ पे इनकी रोड्स बनेगी, नेटवर्क बनेगा। तो प्रोजेक्ट समझने की बात यह है कि वर्ल्ड ओवर जितने ये वाटर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका एक फेनोमिनल इफ़ेक्ट होता है, सिर्फ डायरेक्ट जो एडवांटेजेस हैं पावर या वाटर के नहीं हैं, उसकी सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कमोबेश 6000 लोग जो है यहाँ पे काम करेंगे, और उसमें सबसे तरजीह जो है यहाँ के लोगों को दी जाएगी। इसमें कमोबेश 400 इंजीनियर्स जो है वो ट्रेंड होंगे, और पाकिस्तानी इंजीनियर्स का एक रिजर्वायर जो है वो तैयार होगा, और इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए हम बिल्कुल एडवांस स्टेज पर हैं इंशाल्लाह कि जो द्यामीर भाषा है उसको भी इसी साल हम उस पर काम शुरू कर देंगे। तो आप ये देखें कि अगले 2024 तक ये डैम मुकम्मल होता है, और 27 तक जब द्यामीर भाषा होता है तो हमारी जो पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है वो कम से कम 100% से ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, और बाकी जो फायदे हैं पहले मैं आपको बता चुका हूँ। मैं बहुत मशहूर हूँ आप यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच।